वालेकुम सॉरी, वो ना घर वाले पास थे तो इसलिए मेरी ना आपसे बात नहीं हो पाई। सलाम। हाँ जी। अच्छा, और बताएं आप क्या काम करते हैं? अच्छा, मैं काम करता। क्या मतलब आप कोई काम नहीं करते? काम करता जो नहीं, बस मेरी मजबूरी, मैं काम नहीं करता। नहीं मतलब फिर भी जाहिर सी बात है ना कि कोई भी इंसान है लाइफ में वो काम तो करता है, जीने के लिए काम तो करना पड़ता है ना। मैंने कहा ना, मैं कोई काम से तबाह करगा मैं दे दे मुझे ऐसे। हाँ अच्छा, अल्लाह मियाँ तो सबको देते हैं, तो फिर भी कोई ना कोई तो आप काम करते होंगे। कुछ भी नहीं करता मैं, बस जब मैं करता नहीं, मैं तुम चाहे तुम चाहे तो मैं चलाना काम करता हूँ। अच्छा, चले अच्छी बात है। अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा तरक्की दे, कामयाबी दे। आमीन। और आप इस वक्त कहाँ हैं, मतलब खानेवाल में हैं या कहीं आउट ऑफ सिटी हैं? मैं इस्लामाबाद में हूँ। अच्छा हाँ, तभी तो आप कह रहे हो ना कि मैं कोई काम नहीं करता। जाहिर सी बात है, इस्लामाबाद में गरीब लोग तो रहते नहीं हैं। नहीं हाँ जाहिर सी बात है, इस्लामाबाद में गरीब बंदा तो रह नहीं सकता ना। अच्छा अच्छा, और आपकी उम्र क्या है? अच्छा कितनी? साल 22 साल? वाह, साल लगता है अल्लाह मियाँ ने आपको मेरे लिए ही पैदा किए। इसलिए हाँ मतलब मेरी भी 22 साल उम्र है और आपकी भी। सही है। मतलब इत्तफाक से ही ऐसा होता है ना कि अक्सर लोग मिलते हैं तो उनकी उम्र या कम होती है या फिर ज़्यादा होती है, तो अभी मेरी उम्र भी आपके जैसी है और आपकी मेरे जैसी ठीक है। है। और आप कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन सी जगह बता रहे थे आप? जी मैं डेरा गाजी खान से बात कर रही हूँ। नहीं, ये गाजी खान का नंबर ही नहीं है ये। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, नंबर के ऊपर नहीं ना लिखा हुआ होता। अब एक बंदा मिसाल के तौर पे कोई जाता है, कराची जाता है, तो कराची में जाके वो नंबर ले लेता है और उसके बाद वो बंदा कहीं और चला जाता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि आप अमेजन वहाँ से नहीं है या वहाँ से नहीं है। करें आप मेरी बात सुने। अमेजन लोकेशन आ रही है ये, जिला खाने वाल सुशील जानिया टैक्स नंबर 160 की लोकेशन आ रही है। आपको किसने बताया कि मेरी ये लोकेशन है? फिर जो भी आपको बता रहा है फिर वो गलत बता रहा। हमारे सामने सास पड़ा हुआ है, आगे हमारे पास लैपटॉप पड़ा हुआ है, हमें सास नजर आ रहा है। अच्छा, मैं आपको एक और नंबर देती हूँ, मुझे भी उसकी लोकेशन चाहिए थी। अगर आप उसकी लोकेशन निकाल देंगे तो फिर ये तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। हमें नंबर की लोकेशन का पता नहीं है, हम आपके नंबर की हमें लोकेशन आ रही है सर। अरे नहीं, वो बात आपकी सही है, आप कह रहे हो ना कि हमारे पास लैपटॉप पड़ा है, तो अल्लाह के बंदे लैपटॉप तो हर किसी के पास होता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी वाले किसी को एक्सेस नहीं देते कि आप किसी के नंबर को भी ट्रेस कर पाएं। बस वो हम कर लेते हैं, अच्छा, आप कैसे कर लेते हैं? हमारे पास सिस्टम है नाले, हम वो हमारे दोस्त हैं जिनके पास हम बैठते हैं। आपके कौन से दोस्त हैं, कंपनी वाले? हाँ, ये खंबे वगैरह लगाते हैं ना, वो भी वहीं पे रहते हैं होटल पे जहाँ पे हम रहते हैं ना, उन्होंने किया हुआ है। खंबे वगैरह मतलब कौन से खंबे? हाँ, ये जो फिल्मों के खंबे रहते हैं, टावर वगैरह जिसको बोलते हैं। अस्तगफुल्लाह, वो खंबे नहीं होते, वो टॉवर होते हैं। आपको किसने कह दिया खंबे? खंबे तो बिजली के होते हैं। आप भी कमाल करते हैं यार। सॉरी, तो नहीं, मैं सही बात कह रही हूँ, अगर आप सच में जो है कि ये निकाल सकते हैं ना लोकेशन, तो मुझे भी एक नंबर की लोकेशन चाहिए। अगर आप काइंडली निकाल के दे देंगे तो इसके मैं आपका जो है एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी ना। नहीं, हमें और किसी का नहीं पता, हम इस नंबर पर लिखने आ रही है और हम किसी की जिम्मेदारी नहीं खाते, हम इस नंबर पर हमें सामने लोकेशन आ रही है। अच्छा, मेरी लोकेशन क्या आ रही है आपको पता है? बताया था जिला खाने वाल सुशील जानिया ट्रैक नंबर 160। अच्छा, जिला खाने वाल, और क्या बताया आपने? सुशील जानिया, तहसील जहानिया, और हाँ, चक नंबर क्या बताया? 160 जी। 107? साठ 107? एक मिनट, आप और चलेगा।
अच्छा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं तो आप ऐसा करें ना, मेरे ही और नंबर से मैं आपको मिस कॉल करती हूँ, आप उसका ये बता दें कि वो सिम किसके नाम पे है, तो मैं मान जाऊँगी कि वाकई आपके पास जो है लोकेशन मतलब आती है, या आपके पास कोई एक्सेस है इस चीज़ का। किसके नाम पे? हाँ मतलब चलें आप इसी सिम का बता दें, ये सिम किसके नाम पे है। ये नाम भी आपको बता देंगे। अरे नहीं सुबह क्या, फिर अभी बता देना यार, मतलब इसका सुबह की बात मैं नहीं कह रहा, मैंने कहा आपको अभी आधे पौने घंटे में बता देते हैं किसके नाम है। अच्छा अच्छा चलें आप आधे घंटे का क्या, आपको मैं 1 घंटा दे देती हूँ, आप बता दें। ठीक है जी, हम आपको बता देते हैं आधे पौने घंटे में बता देंगे। अच्छा वैसे आप पढ़े हुए कितनी है, मैं एमबीबी कर रहा हूँ, मतलब आप MBBF हैं। हाँ जी। MBBF का पता है आपको? मुझे पता है, वो बहुत बड़ा डॉक्टर होता है। नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, फिर वो आपको किसी ने गलत बताया होगा। जो होते हैं ना MBBS वो तो होते हैं डॉक्टर, और जो MBBF होते हैं ना वो होते हैं मतलब मैट्रिक बार बार फेल। हाँ मतलब नहीं, वही बात मैं आपसे कह रही हूँ ना, मतलब ये जो MBBF और MBBS में बहुत फर्क होता है ना। अरे आप टिकटॉक बनाते हैं ना, तो आपने आपका नंबर भी प्रोफाइल में दिया हुआ है, आप चेक करें, आपका नंबर मुझे वहीं से मिला है। बोला नहीं है। नहीं मतलब क्या, मैंने कहा ठीक है, सही है, अच्छी बात है। अच्छा अच्छा चले चले, मैंने अभी ना कपड़े वॉश करने हैं, तो इंशाल्लाह फिर बाद में बात होती है आपसे। ठीक है चले, आप कपड़े वॉश करें। ओके अल्लाह हाफिज। तो जी ये मेरा कज़न भी था, मेरा दोस्त भी है, और मतलब मेरा रिलेटिव है, ये आउट ऑफ सिटी रहता है, तो मैं उसके साथ प्रैंक कर रहा था। तो वैसे मैं लड़कियों वाली आवाज़ निकाल लेता हूँ, ये अल्लाह पाक ने मुझे एक टैलेंट दिया है, तो मैं काफ़ी लोगों के साथ मतलब के प्रैंक करता रहता हूँ। वैसे कभी पहले मैंने अपना टैलेंट कभी शो नहीं कराया सोशल मीडिया या किसी भी ऐप पर, तो हाँ एक एप्लीकेशन है वहाँ पर करवाता हूँ, वहाँ पर किसी को पता नहीं है। तो अब जो है मैं आज आप लोगों के साथ अपने चैनल पर भी शेयर कर रहा हूँ, तो अगर आपको हमारा छोटा सा प्रैंक अच्छा लगे तो मैं चैनल सब्सक्राइब करते जाना है, और साथ में देखिए घंटी के निशान को भी दबाना है। और हाँ ये वीडियोज़ अब आती रहेंगी इस तरह की, ये नहीं है कि पहली वीडियो है, अभी तो इसके साथ मेरी आज ही बात हुई है, अभी इसके साथ तो शादी वाला प्रोग्राम वो सीन वगैरह भी होना है, तो अभी तो मतलब बहुत सारे वादे उनके साथ होने हैं कि मैं उनसे के साथ शादी भी करूँगी और मतलब सब कुछ करूँगी। तो मिलेंगे नई वीडियो नए भी लोगों के साथ, तब तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट अमीर हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।